हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग दिस इज अनिल के शर्मा और आज हम यूनिक्स या लाइन में टी कमांड का प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे बट उससे पहले आइए समझते हैं कि टी कमांड का क्या यूज है तो बेसिकली जो टी कमांड है टी कमांड रीड्स फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट टी कमांड क्या करता है स्टैंडर्ड इनपुट से रीड करता है एंड राइट और राइट कर देता है कहां पे टू बोथ स्टैंडर्ड आउटपुट एक तो स्टैंडर्ड आउटपुट पे जो है राइट कर देता है और वन और मोर फाइल्स एट द सेम टाइम और उसी टाइम पे एक या एक से ज्यादा फाइल्स में भी जो है स्टैंडर्ड इनपुट को लेकर के उस फाइल में एक या एक से ज्यादा फाइल्स में ये ले जाकर के क्या करता है स्टोर कर देता है राइट कर देता है तो कैसे तो इसके लिए एग्जाम्पल समझते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले यूनिक्स या लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाएंगे लाइनेक्स या यूनिक्स के कमांड प्रॉम्प पे जाएंगे और वहां पे एक कमांड को टाइप करेंगे तो यहां पे मैंने कमांड प्रॉम्प पे जाकर के एक कमांड है यूनिक्स या लाइन में डेट कमांड ये बताता है आपके सिस्टम की डेट और टाइमिंग को शो करता है ये यानी कि करंटली जो है क्या टाइम हो रहा है और क्या डेट है उसको ये शो करता है तो जब हम टी कमांड के साथ डेट को स्पेसिफाई करते हैं तो टी कमांड क्या करता है कि डेट से जो रिजल्ट आता है डेट से क्या रिजल्ट आएगा कि करंट टाइम क्या है और करेंट जो है डेट क्या है तो टी कमांड क्या करेगा उस डेट कमांड से आने वाला जो आउटपुट है यानी कि टाइम करंट टाइम और करेंट डेट को टी कमांड क्या करता है उसको रीड कर लेता है तो इसी को यहां पे कहा गया है कि टी कमांड क्या करता है वो रीड करता है स्टैंडर्ड इनपुट से दैट मीन्स टी कमांड क्या करता है डेट कमांड से आने वाला जो रिजल्ट है जो करंट डेट और करंट टाइम है उसको क्या करता है टी कमांड उसको रीड कर लेता है तो उसी को स्टैंडर्ड इनपुट कहते हैं तो उस स्टैंडर्ड इनपुट को रीड करने के बाद लेने के बाद टी कमांड फिर क्या करता है टी कमांड एक तो स्टैंडर्ड आउटपुट पे ले जा करके राइट कर देता है मतलब स्क्रीन पे उस रिजल्ट को उस स्टैंडर्ड इनपुट को जो है स्क्रीन पे स्टैंडर्ड आउटपुट मतलब स्क्रीन पे ले जाकर के शो कर देता है और साथ ही साथ उस टी कमांड के साथ एक या एक से ज्यादा फाइल्स हमने जो है स्पेसिफाई की हुई है तो वो एक या एक से ज्यादा फाइल्स में भी जाकर के स्टैंडर्ड इनपुट को ले जाकर के राइट कर देता है तो इट मीन्स कि एक ही टाइम पर टी कमांड क्या करता है स्टैंडर्ड इनपुट को रीड करके यानी कि डेट कमांड से आने वाला जो रिजल्ट है डेट करंट डेट और करंट टाइम उसको स्टैंडर्ड इनपुट कहते हैं तो टी कमांड क्या करता उस स्टैंडर्ड इनपुट को लेकर के एक ही टाइम पे स्टैंडर्ड आउटपुट यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन पे राइट कर देता है शो कर देता है और साथ ही साथ टी कमांड के साथ जितनी भी फाइल्स हमने दी है उन सारे फाइल्स में भी उस स्टैंडर्ड इनपुट को ले जा करके राइट कर देता है तो यहाँ पे हमारे पास जो है आ, कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके मैंने टाइप किया डेट तो डेट कमांड क्या करेगा डेट कमांड रिटर्न करेगा कि करंट डेट और करंट टाइम क्या हो रहा है इसके बाद जो है एक पाइपलाइन का ऑपरेटर लगाना पड़ता है टी कमांड से पहले तो वो मैंने लगा दिया और ये टी कमांड है तो टी कमांड क्या करेगा यहाँ पे डेट कमांड से जो भी आउटपुट निकल करके आएगा यानी कि करंट डेट और करंट टाइम जो निकल करके आएगा उसको टी कमांड क्या करेगा स्टैंडर्ड इनपुट के रूप में उसको ले लेगा और लेने के बाद क्या करेगा उसका रिजल्ट एक तो कंप्यूटर स्क्रीन स्टैंडर्ड आउटपुट पे शो कर देगा और दूसरा इस टी कमांड के बाद जो मैंने एक फाइल का नाम दिया है उस फाइल के उस फाइल में ले जाकर भी राइट कर देगा इसी तरीके से एक और जो है कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके मैंने क्या किया डेट कमांड को टाइप कर दिया और इसके बाद जो है पाइपलाइन ऑपरेटर से मैंने डब्ल्यू सी कमांड को इसको जोड़ दिया इसका मतलब ये हो गया कि डेट कमांड से जो रिजल्ट आएगा यानी कि करंट डेट और करंट टाइमिंग जो आएगी वो क्या होगा उसका जो है उसका रिजल्ट डब्ल्यू सी कमांड क्या करेगा उसको एज एन इनपुट लेगा और लेकर के wc सी कमांड क्या करता है वर्ड काउंट करता है तो डेट का जो रिजल्ट आएगा करंट डेट और करंट टाइम उसको लेकर के उसमें वर्ड काउंट करके नीचे रिजल्ट शो कर देगा नीचे मैंने क्या किया है यूनिक्स कमांड प्रॉम्प पे जाकर के मैंने कमांड का नाम लिखा है डेट उसके बाद पाइप ऑपरेटर और इसके बाद wc सी कमांड फिर पाइप ऑपरेटर और इसके बाद फिर टी कमांड और एक फाइल का नाम दे दिया मैंने तो इसमें क्या होगा इसमें सबसे पहले डेट कमांड से जो रिजल्ट आएगा वो करंट डेट और करंट टाइमिंग जो है वो डिस्प्ले होगा उसके बाद करंट डेट और करंट टाइम को एज एन इनपुट wc सी कमांड क्या करेगा ले लेगा और ले करके उसकी वर्ड काउंटिंग करके आउटपुट किसको दे देगा टी कमांड को दे देगा मतलब डब्ल्यू सी कमांड से जो भी रिजल्ट आएगा उसे एज ए स्टैंडर्ड आउटपुट यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट के रूप में टी कमांड ले लेगा और टी कमांड उसको लेकर के उसकी एक कॉपी तो कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जा करके शो कर देगा और दूसरी कॉपी जो है जो भी आपने फाइल का नाम दिया है उस फाइल में ले जा करके ये शो कर देगा तो चलिए इसका प्रैक्टिकल डेमो करके देखते हैं तो फिर ये अच्छे से समझ में आएगा तो ये हमारा जो है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और रेड हेड एंटरप्राइज लाइनेक्स सिक्स का ये वर्जन है तो यहां पे जो है हम टी कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम डेट कमांड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो ये क्या करेगा आपके सिस्टम में जो भी करंट टाइम और करंट डेट है उसको डिस्प्ले कराएगा तो मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है आज फ्राइडे है फेबररी 19 है और चौदह बज के पचपन मिनट अठारह सेकेंड हो गए हैं और ईयर जो है टू थाउजेंड का जो है ईयर है साल है तो इसको फिर क्लियर कर लेते हैं और अब जो है मुझे क्या करना है टी कमांड के साथ इसको यूज करना है तो मैं टाइप करूंगा डेट और डेट के बाद एक पाइपलाइन का ऑपरेटर क्योंकि टी कमांड से पहले पाइपलाइन ऑपरेटर जो है वो देना होता है तो डेट टी कमांड और इसके बाद एक फाइल का नाम देना है तो मेरे इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक फाइल है एबीसी एक फाइल का मैंने नाम दे दिया अब ये टी कमांड क्या करेगा डेट कमांड से जो भी रिजल्ट आएगा मतलब करंट डेट और करंट टाइमिंग जो आएगी उसको स्टैंडर्ड इनपुट के रूप में टी कमांड लेकर के और उसको क्या करेगा उस इनपुट को ए बी सी फाइल में ले जा करके राइट कर देगा और कंप्यूटर स्क्रीन पे भी ले जाकर के राइट कर देगा तो ये मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे ये क्या रिजल्ट दिखा रहा है कि टी कमांड ने क्या किया डेट कमांड से आने वाले आउटपुट को ले करके, के ठीक है उसको स्क्रीन पे शो कर दिया तो डेट कमांड से क्या आउटपुट आया था फ्राइडे फेब नाइनटीन चौदह बज के छप्पन मिनट तीस सेकेंड और 2021। ये डेट कमांड से एज एन इनपुट एक स्टैंडर्ड इनपुट के रूप में टी कमांड ने ले करके इसको कंप्यूटर स्क्रीन पे शो कर दिया और ए बी सी नाम के फाइल में भी ले जा करके के राइट कर दिया है इसने तो एक ही टाइम पे टी कमांड क्या करता है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे भी शो कर देता है जो कमांड उससे पहले आपने स्पेसिफाई की हुई है तो उसके रिजल्ट को एक ही टाइम पे कंप्यूटर स्क्रीन पे भी शो कर देता है और उसी रिजल्ट को जो आपने टी कमांड के बाद जो फाइल का नाम दिया है उस फाइल में भी ले जा के शो कर देता है तो अब मुझे देखना है कि चलो कंप्यूटर स्क्रीन पे तो टी कमांड ने डेट कमांड से आने वाले रिजल्ट को शो कर दिया क्या एबीसी नाम के फाइल में भी यही रिजल्ट आया है या नहीं आया है तो एबीसी फाइल को ले जा के देखते हैं तो हमारे पास एक कमांड है सी ए टी कैट और एबीसी ऐसे लिखेंगे तो एबीसी में लिखा हुआ सारा कंटेंट ये शो करेगा जाती मैंने एंटर कर दिया तो एबीसी फाइल में भी ऊपर वाला ही रिजल्ट आ रहा है फ्राइडे फेब 19 चौदह बजकर छप्पन मिनट तीस सेकेंड दो तो इसको क्लियर कर लेते हैं ये मैंने क्लियर कर दिया अब हम क्या करेंगे हम दो कमांड को पहले एग्जीक्यूट कर लेते हैं पाइपलाइन ऑपरेटर से तो डी ए पाइपलाइन ऑपरेटर और जो है wc कमांड ये सी कमांड मैंने स्पेसिफाई कर दिया तो ये क्या करेगा डेट कमांड से जो भी रिजल्ट आएगा कमांड से जो भी रिजल्ट आएगा जैसे करंट डेट और करंट टाइमिंग जो आएगी उसको क्या करेगा डब्ल्यू सी कमांड एज एन इनपुट ले लेगा और ले करके उस इनपुट पे उस रिजल्ट पे वर्ड काउंटिंग कर देगा डब्ल्यू सी कमांड क्या करेगा वर्ड काउंटिंग कर देगा तो ये मैं एंटर कर देता हूं तो यहां पे वन सिक्स और टू नाइन का मतलब ये है कि जो दिन वगैरह है फ्राइडे वगैरह है तो उस पर एक वर्ड आया मतलब इसको जो है अगर हम डेट कमांड को एक बार एग्जीक्यूट कर लेते तो पता चलेगा तो यहां पे क्या है वन वन जो है आपका क्या है लाइन है तो ये पूरी की पूरी एक लाइन हो गई सिक्स जो है आपका ये कैरेक्टर है तो वन टू थ्री और ये फोर और ये फाइव और ये सिक्स सिक्स जो है कैरेक्टर है और ट्वेंटी नाइन सॉरी वर्ड है सिक्स वर्ड है और ट्वेंटी नाइन जो है ये कैरेक्टर है. है, है, है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री और ये बीच में स्पेस होगा ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन स्पेस को भी ये काउंट कर लेता है तो डेट कमांड पाइपलाइन ऑपरेटर प्लस डब्ल्यू सी कमांड ने क्या किया डेट कमांड से आने वाले रिजल्ट को डब्ल्यू सी कमांड ने एज एन इनपुट लेकर के और उसमें <clears throat> चेक किया कि कितनी लाइन है डेट कमांड से आने वाले रिजल्ट पर कितनी लाइन है कितने वर्ड्स है और कितने कैरेक्टर है उसको इसने नीचे शो कर दिया अब इसके साथ हम टी कमांड को यूज करेंगे तो हम टाइप करेंगे डी ए टी डेट पाइपलाइन ऑपरेटर डब्ल्यू सी कमांड फिर पाइपलाइन ऑपरेटर और टी डबल ई टी कमांड और एक फाइल का नाम दे देते हैं ए बी सी अब ये क्या करेगा डेट कमांड से जो भी रिजल्ट आएगा उसको डब्ल्यू सी कमान एज एन इनपुट ले लेगा और उस पर काउंट कर देगा कि कितनी लाइन है कितने वर्ड्स है और कितने कैरेक्टर है फिर wc सी जो भी रिजल्ट देगा उसको क्या करेगा टी कमांड स्टैंडर्ड इनपुट के रूप में ये लेगा ले ले और ले करके उसको राइट कर देगा ए बी सी नाम के फाइल में एक ही टाइम पर राइट कर देगा ए बी सी नाम के फाइल में और दूसरा कंप्यूटर स्क्रीन पे भी ये शो कर देगा तो इसको एंटर करके देखते हैं तो ये कर दिया तो टी डबल ई कमांड ने क्या किया कि डेट कमांड से जो रिजल्ट आया उसको डब्ल्यू सी कमांड ने एज एन इनपुट ले लिया और उस पर लाइन वर्ड्स और कैरेक्टर को काउंट करके फिर दे दिया टी कमांड को और टी कमांड ने उसको लेकर के एक एबीसी नाम के फाइल में डाल दिया और साथ ही साथ जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे भी इसने शो कर दिया तो ए बी सी नाम के फाइल में एक बार और चेक कर लेते हैं तो कैट ए बी सी और एंटर तो इसके अंदर भी सेम ही रिजल्ट आ रहा है तो कुल मिला जुला करके टी कमांड का यही यूज है तो क्लियर कर लेते हैं इसको क्लियर कर दिया मैंने तो इस तरीके से हमने देखा कि जो है हम टी कमांड को कैसे यूज कर सकते हैं तो थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग